यो गाइस यार, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कार फॉर सेल सिमुलेटर एंड्रॉइड वर्जन। यार ओरिजिनल पीसी वर्जन कैसे चलाऊंगा फोन के अंदर यार, एक ही तो फोन है। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मतलब दोबारा से आ चुका हूँ एक और न्यू ब्रांड न्यू गेम प्ले के साथ। एंड आप लोगों को मैं बता दूं यार, इस गेम के अंदर काफी सारे अपडेट आए थे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा तो लास्ट वाले एपिसोड में मैंने एक मस्टैंग खरीदी थी एंड में, एंड इस मस्टैंग को मैंने रिपेयर करवाई थी, $27,000 की खरीदी थी एंड एक टक्कर में टूट गई थी। एंड आप लोगों को बता दूं तो यार, इस एक न्यू अपडेट आया है जिसके अंदर आप लोगों को पता है इससे पहले एक अपडेट आया था जिसके अंदर चार न्यू गाड़ियाँ ऐड हुई थी। एंड उसके बाद ये कैमरे वाला अपडेट आया हुआ है जिसके अंदर मैं फोटोज़ वगैरह कैप्चर करके इसकी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दो दो फोटो खींच रखी है, एंड ये वाली भी एंड ये वाली भी है, तो दोनों के दोनों फोटो को मैं लगा सकता हूँ दोनों में से कोई सी भी। सो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो फाइनली से इसमें मतलब बहुत अच्छे अच्छे अपडेट आ रहे हैं अब धीरे धीरे, जैसे कि मेरे को इस गेम से उम्मीदें थी एंड ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। एंड अगर अभी तक मैं वही वाली गेम खेल रहा होता ना तो बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा होता अभी अपना गेम प्ले। एंड फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप लोगों को पता होगा तो $2,00,000 मेरे पास अभी ऑलरेडी है एंड इस वाली गाड़ी को मैंने सेल पे डाल दिया है। देखते कितनी देर में कस्टमर आता है तब तक इस मतलब इस वाली गाड़ी की सफाई कर लेते हैं। कस्टमर जाए भाड़ में, मेरे को पहले गाड़ी को साफ करना है भाई अच्छे से ताकि अच्छा खासा इंप्रेशन आए एंड अच्छे खासे कस्टमर। यार देखो अगर कम भी पैसा ला रहे हो ना तब भी तुम लोग बढ़ा के दो ताकि गाड़ी भाई साफ है। एंड यार मेरे को एम्प्लॉय वगैरह हायर करना है, पता नहीं एम्प्लॉय मिलेगा कैसे इस गेम के अंदर, यहाँ पे मेरे को मिल ही नहीं रहा है। एंड हायर कैसे करते हैं वो भी आज समझ में नहीं आया मेरे को। बाकी तो मैंने गाड़ी को साफ कर लिया है एंड पूरी की पूरी साफ हो चुकी है। अब बताइए अंकल जी कितने में आप हमारी गाड़ी ले जाने वाले? $1,00,000 डाला है मैंने इस वाली गाड़ी को क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज थी, सस्ती मिली $45,000। आर यू सीरियस? यार मेरे को लगा बहुत ज्यादा महंगी बिकेगी ये वाली गाड़ी, तो मैंने $1,00,000 डाला है इसका प्राइस। अब इतनी सस्ती जा रही थी ये वाली गाड़ी? देखो अब 37,000 लाया ये बंदा, तो और दो कस्टमर आया, देखते कौन सा बंदा ज्यादा देता है। ये बंदे से पूछता हूँ कितना दे रहा है भाई तू? $1,00,000 डाला है भाई मैंने प्राइस 49,000, इसने 45 बोला था, इसने सबसे हाईएस्ट इसने बताया पीछे वाले ने। इस बंदे से पूछ लेता हूँ लास्ट कितने में ले जाएगा, 47। सो छोड़ भाई तू बता कितने में ले जाएगा। एंड मैं इसको लाया था 27,000 में एंड 3,000 मतलब ऑलमोस्ट $3,000 मैंने इसके ऊपर स्पेंड करे हुए हैं। तो भाई तू इसको $60,000 में ले जाएगा तो बता? वैसे 60,000 में नहीं ले जाएगा, काफी ज्यादा आगे चला गया मैं। सो थोड़ा कम करने को कह रहा है बंदा। सो 58,000 देख लास्ट डील है, 40 में तो तेरे को ले जाना चाहिए भाई गाड़ी को। एंड हाँ गई यार ये वाली गाड़ी भी गई, $2,80,000 हो चुके हैं भाई मेरे पास। एंड अभी फिलहाल को रात हो रही तो जल्दी जाके सो के आता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन इन द गेम, अभी तो फिलहाल को नाइट चल रही है यार रियल लाइफ में। बाकी तो जल्दी चलते हैं ऑफिस पे क्योंकि इस वक्त शायद से आज जो है कार मार्केट प्लेस भी ओपन है। हाँ कार मार्केट प्लेस भी ओपन है, सो कार मार्केट प्लेस से मैं बढ़िया बढ़िया गाड़ी लाने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा तो चार न्यू गाड़ी ऐड हुई है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमारी मस्टैंग मतलब ये नॉर्मल वाली मस्टैंग एंड जो भी मैंने बेची, एंड एक है हमारी ऑडी R8 और एक पोर्शे की है और एक और गाड़ी पता नहीं कौन सी थी, मैं भूल गया नाम उसका। बाकी तो मतलब वहाँ चलते हैं कार मार्केट प्लेस पे, तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई है। एंड आज का जो मेरा टारगेट है ना वो है फरारी को लेने का, अगर यहाँ पर फरारी मिल जाएगी ना तो मैं फरारी भी ले लूँगा। और भाई साहब आते ही मिल गए भाई ऑडी R8, देखो भाई ऑडी R8 भाई बहुत ज़्यादा महंगी है यार सीरियसली, मेरे पास अभी उतना पैसा भी नहीं है। $5,00,000 भाई, $5,00,000 आज की इस वाले एपिसोड में मैं चाहूँ तो खरीद सकता हूँ क्योंकि अभी इतना तो मैं अर्न कर ही लूँगा। बाकी तो यहाँ पर एक ऑडी TT है, एक और ऑडी R8, ये कितने के दे रहा है देखता हूँ एक बारी इसे पूछ के। ये बंदा दे रहा है 5,84,000 भाई, उससे भी महंगा दे रहा है तो। एंड बाकी BMW है एंड यहाँ पे वो है स्कोडा, ये सस्ती सस्ती गाड़ियाँ आई हुई हैं। एंड यहाँ पर एक सुपरा, सुपरा नहीं लेनी यार, सुपरा बहुत ले रही है। एंड फरारी फाइनली से भाई, फरारी मेरे को लेनी थी आज के एपिसोड में एंड मेरा टारगेट था ये पहले तो। सो फरारी मेरे को 2,53,000 में दे रही है, सो इसको मैं 2,00,000 बोलता हूँ डायरेक्ट, देखते क्या होता है। सो 2,00,000 मैंने इसको बोल दिया एंड ओ भाई गुस्सा हो गई गुस्सा हो गई भाई, कह रही है मेरे को काम डाउन करो। 2,20,000 देख, 2,20,000 में तो आई होप के दे दे क्योंकि 20,000 बढ़ा दिया भाई मैंने, बहुत होता है 20,000, सो दे देना चाहिए इतने में तो दे दिया भाई। फरारी आ गई फाइनली से भाई, तुम्हारे भाई ने फरारी भी ले ही लिया। इसको मैं बढ़िया सा मॉडिफाई करवा के बेचने वाला हूँ, इसको एक बार इसका पैनल चेक कर लेता हूँ कितनी डैमेज है। 35% डैमेज है वैसे वाली गाड़ी, इसको मैं चला के ले जाने वाला हूँ भाई, चला के ले जाते हैं। इंटीरियर वगैरह पे कुछ खास काम नहीं करा भाई इन गेम वालों ने, चल छोड़ कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही ले चलते हैं इस वाली गाड़ी को। एंड एक बार इसका स्पीड वगैरह चेक करके, अरे हाँ एक और अपडेट आया था, स्पीडोमीटर भी ऐड हो चुका फाइनली से हमारी गेम के अंदर। नीचे आप लोग देख सकते हो, अब हम लोग गाड़ी की स्पीड भी देख सकते हैं, पहले ये सारे फीचर्स नहीं थे यार। जब से अपडेट आया ना स्टार्ट हुआ ना गेम के अंदर भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स ऐड हो चुके हैं। एंड फरारी की स्पीड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट इसको मैं पूरा का पूरा टेस्ट करने वाला हूँ। एंड हाँ नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ड्रैग रेस भी खेलेंगे क्योंकि फिलहाल को देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर रेस खेलने वाले हैं। अगर तो फाइनली से मैंने फरारी खरीद ली, $60,000 ही बचे हुए हैं मेरे पास, पूरी जेब खाली
वाली होगी भाई फरारी खरीद के, इसको डायरेक्टली ले जाके मैं मॉडिफाई करवा के बेच देता हूँ यार। वेल मैं यहाँ पर जब रेड बार पे आया ही हुआ हूँ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेक वगैरह कर लेते हैं ना। वेल मुझे पता नहीं था यार यहाँ पर ब्लैक मार्केट दिन में भी ओपन रहता है, मेरे को लगता था बस रात को ही ओपन होता है। एंड मैंने दोनों की दोनों चीज़ें खरीद रखी है यहाँ से, सो अंदर चल के देख लेते हैं। एंड हाँ, इसके जो पीछे में ना यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ताश वगैरह खेल सकता हूँ भाई सीरियसली। ओ ये रहा भाई हमारा एम्प्लॉय, होमलेस है, इसका मनी दे सकते हो। एंड वॉच एड टू हायर भी मेरे को हायर करना है। ऐड यार अवेलेबल नहीं है मैंने, क्योंकि इंटरनेट ऑफ कर रखा है गेम का, पूरी गेम का ही मैंने इंटरनेट ऑफ कर रखा है, मेरे इंटरनेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे फिलहाल को। तो इसको पैसे देने के अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं गेम को क्विट करूँगा ना, देखो नेट मेरा ऑन है बट अभी वॉच ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने गेम का ही इंटरनेट ऑफ कर रखा है। वेल यहाँ पर मैं सट्टा खेलने आ गया भाई, $10,000 कौन लगाएगा भाई, कम लगाते हैं यार इसके अंदर थोड़ा सा ना, मेरे को अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इसका। सो फिर इसको एकदम $1 पर करके स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि $1 हार भी गए तो कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला। ऐसे मेरे को आता भी नहीं खेलना, कैसे खेलते कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, क्योंकि मेरे को सब समझ में नहीं आ रहा यार ये गेम। यहाँ पर स्टैंड एंड कुछ भी था पता नहीं, लॉस्ट हो गया मेरा। एग्जिट करते हैं क्योंकि यहाँ पर बस पैसा बर्बाद होने वाला है। एक और है यहाँ पर, बाकी ये गेट खुलता नहीं है। एंड इस बंदे को मेरे को हायर करना है बट कैसे करूँगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब कर सकता हूँ बट अभी एड्स अवेलेबल नहीं है। मैं इसका इंटरनेट जैसे ऑन करूँगा फिलहाल को, तो मैं पैसे देने के लिए और कुछ इसको कर नहीं सकता। बाकी तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में इसको हम लोग हायर कर लेंगे अगर मिल जाए तो। बाकी हम लोग चलते हैं यार यहाँ पर। वैसे मैंने बियर नहीं खरीदी बहुत दिन से, मेरी सारी की सारी बियर खत्म हो चुकी थी, यहाँ से मैं बियर खरीद लेता हूँ थोड़ी सी। एंड अब चलते हैं अपने ऑफिस में। वैसे यार आज ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं हो जाएगी बस हो जाएगी। इसको मैंने भिजवा दिया अपने ऑफिस पे, एंड अब मैंने वैसे उसको गलती से भिजवा दिया ऑफिस पे। चल अब मैं जा रहा हूँ इससे, मतलब बस से चलते हैं एंड उसको रिपेयर करवा के, बढ़िया मॉडिफिकेशन करवा के तब उसको बेचेंगे। यो ब्रदर, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई भाई, $700 में मेरी फरारी रिपेयर कर दे, काफ़ी सस्ते में नहीं हो गई वैसे फरारी रिपेयर, 34% डैमेज थी। अगर तो जब तक भाई मेरी फरारी रिपेयर होती है मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ, सो क्या करूँ, जंक यार्ड में चलते हैं ना। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया पहले से इस वाले जंक यार्ड को। एंड इस बारी ओ भाई सब, यहाँ पे कार है बे, इस कार को शायद से मैं तोड़ सकता हूँ फाइनली से। हैमर का कुछ तो यूज़ मेरे को समझ में आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वाली गाड़ी पे मैं इसको मार मार के इसको तोड़ सकता हूँ, मतलब देख सकते हो यहाँ से जो मेटल के पीसेस है ना वो बाहर निकल रहे गाड़ी से। एंड मैं जैसे जैसे इसको तोड़ रहा हूँ गाड़ी के, सीरियसली मैंने धज्जियाँ उड़ा दी भाई चारों तरफ से तोड़ तोड़ के। एंड ये पूरी की पूरी गाड़ी भाई डिसमेंटल हो चुकी है, और भाई इतना सारा मेटल भाई, बहुत पैसा मिल जाएगा भाई इससे तो। इसका पूरा का पूरा कलर करके इस बंदे को बेचता हूँ यार मैं फाइनली से भाई। सारा का सारा वो तो मैंने उठा लिया। एंड यहाँ पर ट्रैश लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हो ट्रैश भाई, पहले मेटल लिखा हुआ आता था ट्रैश लिखा हुआ आ रहा है। एंड यहाँ पर एक और लास्ट मेटल का पीस बचा हुआ है, सो इसको इस ट्रैश को भी उठाते हैं। ट्रैश से तो पैसा मिलने वाला भाई हमको, पैसा ही मिलता है, एक्सी मिलता है, सब मिलता है भाई यहाँ पे। कितना मेरे को मिलने वाला है इससे भाई देखते हैं, $600। ओ भाई कहाँ $30-40 मिलते थे यहाँ पर, एंड इस बारी $600 यार बहुत सही है भाई। तो मेरी फरारी भी फाइनल से रिपेयर हो ही चुकी है, तो इस गाड़ी को लेकर चलते हैं डायरेक्टली, थोड़ा सा ट्यून वगैरह करवाते हैं। ऑटो पेंट्स, कौन सा पेंट करवाऊँ इस गाड़ी पे देखते हैं एक बारी, कौन सा कलर अच्छा लगेगा भाई। रेड कलर एक्चुअल में ऑसम लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है यार सीरियसली, देख रहे हो। एंड ब्लैक कलर भाई, ब्लैक कलर वाओ, ओ माई गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बाय द वे अपना तो येलो कलर ही फेवरेट है भाई साहब, येलो कलर, जो येलो कलर की जो बात है ना भाई वो किसी और कलर की बात ही नहीं है, पता नहीं क्यों बट येलो कलर बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी। अब मैं यहाँ पे किसी की कॉपी नहीं कर रहा भाई, आप लोग जैसा भी समझो, बट मेरे को भी येलो कलर बहुत ज़्यादा ऑसम लगता, मतलब देख रहे हो ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। चल चलो वो सब छोड़ो, आगे तो जल्दी स्मूथ करते हैं इस वाली गाड़ी को। एंड हमारी गाड़ी हो चुकी है फाइनल से पेंट, वैसे काफ़ी घटिया पेंट करवाया मैंने, प्रॉपर येलो कलर नहीं करवाया इसके अंदर मैंने, जो एकदम लाइट वाला होता है। एंड इससे यहाँ से मैं इसको ट्यून करवा लेता हूँ। लो भैया गाड़ी टूट गई थोड़ी सी, चल इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जल्दी से कराते हैं रिपेयर। 2% का डैमेज आया, चलो छोड़ो, रिपेयर नहीं करवानी थी इसके अंदर, हमको ट्यूनिंग करवानी थी। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ रेसिंग किट, ABS, TSS एंड सब, मतलब सब कुछ डाल देते हैं जितना भी कुछ है। एंड इसके जो सस्पेंशन है ये इसको ऊपर कर देते हैं, इसको बना देते हैं एक क्या कहते हैं उसको, SUV बना दी भाई इस वाली पूरी की पूरी गाड़ी को। चलो छोड़ो, इसके सस्पेंशन एकदम डाउन करवा के अपडेट करवा देते हैं, $120 मैंने बर्बाद करे हैं और कुछ नहीं। इसकी लाइटें लगवा देते हैं बढ़िया सी, नंबर प्लेट ये वाली अच्छी लग रही है तो इसको अच्छे से लगवा देते हैं, कैलिफोर्निया वाली। एंड व्हील्स में मैं थोड़ा महंगे वाले टायर लगवाने वाला हूँ। ऑल राइट, ऑल डन गाइस, यार फाइनली से मेरी पूरी की पूरी फरारी हो चुकी है रिपेयर। एंड बहुत ज़्यादा ऑसम इसका लुक आ रहा है। एंड इस वक्त मैं इसको चलाने वाला हूँ, थोड़ा सा देखने वाले इसकी स्पीड कैसी आने वाली है। वैसे ड्रैग रेस नहीं खेल सकता इस वक्त मैं, क्योंकि मेरा मन नहीं है। देखो अच्छी गाड़ी आएगी तब खेलेंगे, लैम्बोर्गिनी वगैरह आ जाएगी तब खेलेंगे। ओ भाई साहब आज का पूरा का पूरा दिन मतलब फरारी के साथ घूमते घूमते ही निकल गया, देख रहे हो, मतलब रात हो चुकी है पूरी की पूरी। एंड मेरे को ऑडी आर 8 लेनी थी,
$2.5 लाख में। चलो कोई बात नहीं, फरारी ले ली ना मैंने, बहुत है यार, वीडियो का टारगेट कंप्लीट हो गया ना, बहुत है। एंड इसको मैं लगा देता हूँ सेल पे, इसको अच्छे खासे प्राइस में बेचने वाला भाई। देखो $2 लाख के लाया ना मैं इसको, $5 लाख डाल देता हूँ इसका प्राइस, जितने में जाएगी भाई गाड़ी, जितने में चली जाए। एंड इसको एक बारी फ़ोटो खींच के मैं डाल देता हूँ वेब पेज पे, यहां से नहीं, थोड़ा इधर से अच्छा सा लुक इसका लेके। एंड एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, कहाँ गया कैमरा, कैमरा ये रहा, इसका क्लिक करते एक फ़ोटो, एंड फ़ोटो क्लिक हो चुकी है। लगा देता हूँ उस वाली फ़ोटो को अपने वेब पेज के ऊपर। सो ये रहा हमारा वेब पेज, दो तीन फ़ोटो मैंने यहाँ पर खींची, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाली फ़ोटो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ ये वाली। एंड इसको रिमूव नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, अभी मैं जाकर डायरेक्टली सो जाता हूँ, है ना। बाकी सारी फ़ोटो रिमूव कर देते हैं, एक फ़ोटो रख लेते हैं और चलते हैं अब सोने। वेल भाई, मेरे आने से पहले यार ऑफिस पर कस्टमर्स आ गए। एंड यहाँ पर मतलब इसको उठा लेता हूँ यार, ये छोटा छोटा ट्रैश है ना, ये उठाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ये वाला ट्रैश तो एक बारी को उठ भी जाता है अच्छे से। एंड ये ट्रैश कौन फेंक के जाता है मेरे को तो बताओ यार, उसका नाम बताओ, उसका मैं खोपड़ी फोड़ के आऊँगा उसके घर में घुस के। तो इस ट्रैश को डालते हैं। एंड कितने में ले जाएगी आंटी जी, आप बताइए गाड़ी कितने में ले जाने वाली। $5 लाख की ये वाली गाड़ी है मेरी, एंड कितने में, 4,14,000। ओ भाई बहुत तगड़ी डील आई है बे भाई, 4,50,000। देख 4,50,000 में ले जाए यार, बहुत सही डील आई है यार, सीरियसली 4,50,000। ओ भाई गई गई फरारी गई भाई, 4,50,000 में गई, $5 लाख, मतलब सीरियसली हाफ ऑफ मिलियनर, हम आधे मिलियनर बन चुके हैं फाइनली इस गेम के अंदर, हम लोग भी हाफ मिलियनर बन चुके हैं, बट मिलियनर भी बन ही जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में, देखा जाएगा यार कब बनते हैं, बट मिलियनर तो बनना ही है जल्दी। पहले मैं नेबरहुड में क्या करने आया हूँ, अरे हाँ यार मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है अच्छी सी ढंग की, तो यहाँ पर एक अच्छी सी गाड़ी खरीदने आया था वैसे मैं। ऑक्शन है यार आज 5 बजे, एंड मेरे को चाहिए एक मस्टैंग। देखो यार सुपरा नहीं चाहिए मेरे को, मस्टैंग दे दो भाई, मस्टैंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सुपरा बेकार लगती है मेरे को भाई, सुपरा चला चला के थक गया मैं, मतलब बेच बेच के। 45,000 की मस्टैंग है, सो 38,000 में दे दे, और क्या 38,000 में तो आई जाएगी अच्छी खासा। कितना मैंने कम करवाया, $7,000, चल इतने में मिल गई मेरे को ये वाली गाड़ी। इसको चला के ले जाने वाला हूँ मैं अपने ऑफिस पे, एक सुपरा भी ले लेता हूँ, उस वाली गाड़ी को मैं लगवा के आ चुका हूँ सेल पे। एंड यहाँ पर जो सुपरा है, सुपरा 75,000 की बता रही है मेरे को, सो इसको 65,000 में डील डन करते हैं। एंड सुपरा मेरे को मिल गई, मिल गई ना, हाँ मिल गई, चलो सुपरा मिल चुकी है। एंड इससे जो ऑक्शन है ना, अभी फिलहाल को मेरा जो एक्सपी बार है वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, एंड एक्सपी मतलब वो वाला अनलॉक करना है मेरे को स्किल। सो यहाँ पर इसका डैमेज 25% डैमेज, इससे ना मेरे को ऑक्शन की गाड़ियाँ देखनी है, आज ऑक्शन है ना 5 बजे, तो वहाँ की गाड़ी देखनी कौन कौन सी आएगी यार। यहाँ पर एक्चुअल में मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो यार कैमरा एंगल ऐसे करने से यहाँ पर मेरे को गाड़ी दिख सकती है, बट मेरे को पता है कैमरा मेरा एंगल हो ही नहीं रहा। देखो मैं ऐसे कर रहा तो मेरा कैमरा ऊपर को आ जा रहा है, देखो उस साइड जा ही नहीं रहा कैमरा, पता नहीं क्या हो रहा है, बट हो रहा है यार, मेरे से वो वाले ग्लिच परफॉर्म ही नहीं हो रहा यार। आप लोग बताओ यार कैसे करूँ इस वाले ग्लिच को परफॉर्म फ़ोन के अंदर स्पेशली, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अपनी एक बार और ट्राई मार लेता हूँ, नहीं हो रहा भाई साहब वो वाला ग्लिच परफॉर्म मेरे से। सो मैं इस गाड़ी को ले जाकर बेचने वाला हूँ डायरेक्टली, एंड ऑक्शन होगा तभी देखेंगे। यहाँ पर आप लोग टाइम देख रहे हो, 3:44 हो चुके हैं, एंड अभी तक कोई भी कस्टमर नहीं आया हुआ है मेरी शॉप पे, एंड शॉप कह रहा हूँ मेरे ऑफिस पे। एंड यहाँ पे दोनों के दोनों गाड़ी को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, एंड देखते कब तक कस्टमर आ क्यों नहीं रहा, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। आ गया फाइनली से कस्टमर, आ गया, जल्दी से बेच के जाना है यार। अभी देख रहे हो 5 बजे ऑक्शन होगा और मेरे को 4 बज चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर, एंड टाइम ऐसे बीतता है ना इस वाले गेम के अंदर। भाई बता जल्दी बता कितने में तू ले जाने वाला है, 27% डैमेज, मैंने इसको रिपेयर भी नहीं करवाया। सो $1 लाख की मैंने गाड़ी लगाई, 90,000 बता रहा भाई प्राइस, इसको मैं 99,999 में बेच देता हूँ। देख भाई इसके साथ थोड़ा सा छल कपट कर रहे हैं हम लोग, बट फिर भी इतना तो तू आगे जाएगा, 5 ही 9 लगते हैं ना, समझ में नहीं आ रहा था। चलो भाई गाड़ी बिक गई वे, इतने मतलब इतने बुद्धू लोग हो सकते हैं गेम के अंदर, NPC हैं, क्या कर सकते हैं, उनके अंदर दिमाग तो है नहीं। 51,000 भाई यार, 51,000 नहीं, तू मेरे को 58,000 दे और जल्दी से ले जा भाई, गाड़ी ले जा, भाग 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 जल्दी भाग, मेरे को भागने दो अब वहाँ पर जल्दी से ऑक्शन में। यार ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 5:03 हो चुके हैं। भाई टिकट ला जल्दी ला यार, जल्दी 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 यार। अरे यार फरारी आई हुई है, अभी मैंने जस्ट फरारी ही तो खरीदी थी एक, $5 लाख है, मैं इसको खरीद सकता हूँ, बट क्या पता आगे कोई अच्छी सी गाड़ी आ जाए, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वाली कार कौन सी है भाई, छी BMW Series 1, नहीं सॉरी स्कोडा मैं सोच रहा हूँ ले लूँ क्या, वैसे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है इस वक्त। वैसे आगे और गाड़ी आ सकती है अच्छी सी, बट फिर भी एक बार इस पे मैं लगाऊंगा बेट, देखते हैं। अगर छोटी छोटी वाली बेट लगा रहा हूँ मैं इस वाली गाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पर गाड़ी मिल गई मेरे को ये वाली। एंड नेक्स्ट छी कौन सी गाड़ी आ गई है, मर्सिडीज़ कूपे ले लूँ क्या ये वाली गाड़ी भी, वैसे मेरे पास बहुत पैसा है इस वक्त, ये वाली भी ले ही लेता हूँ यार, लगा देते हैं बढ़िया वाली, लगा देते हैं एकदम लास्ट वाली लगाएंगे, एकदम बोली अपनी तगड़ी वाली, ये वाली गाड़ी मिल जाए जल्दी से। एंड जल्दी से हटाओ इसको भी, फाइनली ख़त्म, ये वाली गाड़ी भी अपने पास आ चुकी है। एंड नेक्स्ट तो BMW Series 1 है। छी यार इस वाली गाड़ी को मन तो नहीं है, बट सोच रहा हूँ इस वाली गाड़ी को भी ले ही लेते हैं,
बाकी हाँ इसको भी ले ही लेता हूँ यार, लगा देते हैं लास्ट वाली पे एंड जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। वैसे ही मेरे को अब मन नहीं है, मेरे को अब गाड़ी चाहिए डायरेक्टली मेरी सारी की सारी, इसको हटाते हैं जल्दी। फाइनली भाई साहब लास्ट वाली गाड़ी भी मिल चुके हैं एंड ऑप्शन ख़त्म हो चुका है यहाँ पर एंड तीन की तीन मैंने गाड़ी परचेज कर ली यहाँ पर, तीनों के तीनों को लेकर चलते हैं अपने घर पे यार। सर ये ग्लिच नहीं समझ में आता है, मैंने गेम को क्विट करके दोबारा से आया हूँ ना, तब जाके मैं इस वाली मतलब तीनों के तीनों को टो करवा पा रहा हूँ यार, ये ग्लिच नहीं समझ में आता मेरे को, तीनों गाड़ी को भिजवाते हैं डायरेक्टली। सो यार तीनों की तीनों गाड़ी को यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं फिलहाल को तो अच्छे से एंड तीनों को सेल पे लगा के फिर सोने चलेंगे ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लास्ट नाइट को मैंने दो गाड़ी को सेल पे लगा देते हैं, तीसरी वाली गाड़ी थोड़ी सी डैमेज थी सो उस वाली गाड़ी को भी मैं रिपेयर करवाने के लिए मैं सोने के लिए गया था एंड आज भी ऑक्शन है 3 बजे नहीं 4 बजे, सो 4 बजे का वेट करते हैं, तीनों की तीनों गाड़ी को बेच देते हैं। आई होप कि इस बारी कोई अच्छी सी गाड़ी आ जाए यार, मेरे को बस अच्छी सी गाड़ी चाहिए एक, यहाँ पर इस वाली गाड़ी को रिपेयर करवा देता हूँ जल्दी से। वैसे एक और गाड़ी आई हुई है यहाँ पर हैमर से तोड़ने वाली, इसको भी तोड़ते हैं जब तक भाई मेरी गाड़ी रिपेयर हो जाए तब तक इस गाड़ी को तोड़ लेते हैं एंड थोड़ा सा पैसे ही कमा लेते हैं। कितना दोगे भैया जी यहाँ पर, कितना उठाया पता नहीं मैंने, 24 मेटल के पीस $480 मिल चुके हैं, इससे मेरे को फ्री का पैसा है, उठा लेते हैं एंड गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी होगी और ऑफिस मेरा क्लोज है फिलहाल को तो उसको भी ऑन करना पड़ेगा, इसको भिजवा दो डायरेक्टली ऑफिस पे एंड लगाते सेल पे जल्दी। कितना प्राइस डालूँ, मर्सिडीज कूपे है 1,20,000 डाल देता हूँ, इसको काफ़ी महंगा लेके आया था मैं एंड 75,000 के लेके आया हूँ इस वाली गाड़ी को, डायरेक्टली ऐसी परचेस कर ली थी मैंने अंधाधुंध, बाकी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में चली जाती है, 1,00,000 प्लस जाती है वाली गाड़ी, देखते हैं कितने तक जाती है। फाइनली से भाई सब जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ मेरे को मिली गई, भाई मेरा स्किल पॉइंट अनलॉक हुआ, ये वाला मैं कार जो डिटेल वाला होता है ना वो मैंने अनलॉक कर लिया, अब नेक्स्ट वाला लो डैमेज वाला है तो ये नहीं अनलॉक करूँगा मैं, दूसरा अनलॉक करूँगा एंड यहाँ पे इस वाली गाड़ी को भी मैं कर लेता हूँ क्लीन एंड अब भाई ऑफिस तो ऑन नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। मर्सिडीज कूपे के लिए एक बढ़िया सा कस्टमर आया भाई, अच्छे से सूट वूट चढ़ा के आया भाई, 1,20,000 की गाड़ी है, काफ़ी महंगी है भाई, बता कितने में ले जाएगा, 1,05,000, ओ भाई 1,00,000 प्लस, मैंने बोला था ना 1,00,000 प्लस में जाएगी, सो इसको मैं लगाता हूँ 19,999 भाई, देख $1 कम करवा रहा हूँ मैं इस बंदे से एंड ये बंदा सीरियसली में ले गया क्या, ओ भाई ले गया, देख रहे हो कितने नूब बंदे आते हैं इधर, समझ में नहीं आता भाई कैसे हो सकता है कोई इतना नूब बे, इतना मतलब बेवकूफ़। 43,000 बता रहा है ये बंदा प्राइस, तो भाई स्क्वाड आया 50,000 में ले जाए यार, चली जाएगी 50,000 तक तो आराम से, चलिए वाली गाड़ी गई एंड ये लास्ट गाड़ी बची, इसको मैंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था, 11,000 बता रही थी, सो 25,000 देख यार 25,000 मैंने खुद लगाया है, 11 मैंने 15 बोला था लेकिन इसने नहीं लिया था, चल एक काम कर तू ले ही जा, वैसे भी 4 बजे ऑक्शन है तो मेरे को गाड़ी वाड़ी को सारे का सारा बेच के अभी निकलना है क्योंकि ऑक्शन का देखने जाएंगे ना, ऑक्शन कब तक मतलब कौन कौन सी गाड़ी आती है उसके अंदर वो भी मेरे को चेक करना है। वैसे वो ग्लिच तो हो नहीं रहा, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में मेरे से वो ग्लिच हो क्यों नहीं रहा, आई थिंक सो कि अपडेट की वजह से वो ग्लिच फिक्स हो चुका है एंड यहाँ पर चलते हैं, अब नेबरहुड वगैरह घूम के आता हूँ मैं तब तक ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं सोचूं भाई सब ये वो है ऑडी R8 बट देख रहा हूँ तो भाई सब ये मर्सिडीज कूपे ही है ना, हाँ मर्सिडीज कूपे है, 77,000 बता रही है मेरे को प्राइस, 60,000 में देना चाहती है तो दे दे बता, 60,000 में ले जाते हैं वाली गाड़ी को भी एंड अभी वो ऑक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है एंड नहीं 60,000 में नहीं ले रही, सो 65,000 में लास्ट प्राइस एंड इतने में तो मिल जाना चाहिए, मिल गई भाई, देखो ये वाली गाड़ी मिल गई, $5,00,000 अभी मेरे पास है ऑलमोस्ट क्या $5,00,000 ऑलरेडी है मेरे पास, सो 5,00,000 प्लस ही है, तो इस वाली गाड़ी को लेके चलते हैं अपने ऑक्शन में एंड ऑक्शन में जल्दी चलते हैं क्योंकि ऑक्शन स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी। बहुत ही गंदा ठुका भाई गाड़ी अभी जस्ट यार यहाँ पर इस वाली गाड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया भाई, तू जा भाई रिपेयर पे पहुँच एंड मैं जल्दी से ऑक्शन में देख कर आता हूँ कौन कौन सी गाड़ी। भाई लैम्बोर्गिनी आई हुई है बे, लैम्बोर्गिनी पे लगानी भाई मेरे को बैट, लैम्बोर्गिनी दे दो भाई मेरे को, 26,000 वाली लगा दी मैंने डायरेक्टली लास्ट वाली एंड क्या लैम्बोर्गिनी मेरे हाथ में आएगी, नहीं एक और 26,000 वाली लगाते हैं, क्या लैम्बोर्गिनी मेरे हाथ में आएगी इस बारी, क्या आएगी, ओ भाई लैम्बोर्गिनी फाइनली, ओह $1,00,000 बचे भाई सीरियसली, स्कोडा यार नेक्स्ट वाली गाड़ी लगाता हूँ यार, इस वाली गाड़ी पे भी बिट लगा देता हूँ सारी की सारी, लास्ट वाली लगाते हैं एंड जल्दी से परचेस करके पूरा ऑप्शन खत्म करते हैं। भाई लैम्बोर्गिनी ले ली तुम्हारे भाई ने, आई थिंक सो कि यार स्कोडा भी अपने हाथ में आ गई भाई, लो स्कोडा भी मिल गई भाई, ये लास्ट की दोनों गाड़ी मैं परचेस करने वाला हूँ भाई, सीरियसली बता रहा हूँ ये कौन सी घटिया सी गाड़ी आई है, फोर्ड एस्कॉर्ट लॉर्ड एस्कॉर्ट जो भी थी, इसको परचेस करते हैं जल्दी से यार। खत्म भाई, है कोई तुम्हारे भाई से अमीर इस पूरे के पूरे सिटी के अंदर, एक मर्सिडीज की वो है मस्टैंग है, ये मस्टैंग 26,000 की है इस वक्त एंड 60,000 मेरे पास अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है पैसा, इस पे भी लगाते हैं, ये भी खरीद ही लेते हैं। खत्म भाई चारों गाड़ी आ गई तुम्हारे भाई के पास, चारों की चारों गाड़ी परचेस कर ली डायरेक्टली यार, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ भाई साहब। आई होप कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, यहीं से मैं गेम को क्विट कर रहा हूँ अब भाई, मैं कल खेलूंगा यार, अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ भाई, मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।